मुझे तू कभी ना मिले। हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार हो दिया। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा प्यार ना होगा कम। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, ना भुला सका मैं तेरी चाहते। इश्क पे कहां बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसे चाहे दिया। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा प्यार ना होगा कम। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। मेरे ख्याल से ये गेन ही गेन गेना आइटम जो है ना, देखने में बहुत शरीफ होता है मगर ये बहुत फुर्ती से टांगे चला देती है। मगर ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा सा करीब आ जाओ यार, आ जाओ। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं दोस्ती नहीं होगी। तो भाई बाहर चलते हैं और वो देखें वो शहजादे को चेक करें आप। सिर्फ ये शहजादा वाहिद ऐसा है कि जब ये खड़ा होता है तो पूरा फार्म इसके पीछे खड़ा होता है। तो भाई शहजादे की जो है ये स्पेशलिटी यही है कि जब ये खड़ा होता है तो पूरा फार्म इसके पीछे खड़ा होता है। तो भाई देखें ब्यूटी देखें, माशाल्लाह। भाई मेरा दिल तो इसके ऊपर आ गया है, शहजादे के ऊपर। राजा राजा, मैंने इसका नाम शहजादा रख दिया राजा का। इसकी तो एंड है। दिल तो ले जा रहा है इसको, अपनी तरफ ही लेके चले जाए। मगर हमारे पास अभी बहुत सारे माशाल्लाह। और कुछ क्या कहना है? तो भाई मेरे ख्याल से अब यासीन भाई के पास चलते हैं और यासीन भाई से पूछते हैं क्या सीन है और अब आगे क्या करना है। बाकी आप ब्लॉग में साथ रहें, कल जो है एक और सिद्दीकी कैटल फार्म को कवर करेंगे इंशाल्लाह। कैटल फार्म में आप कब से हैं? हैं? और क्या क्या चल रहा है? भाई नहीं भाई, सीन ऐसा है कि वो कह रहा है अभी जाओ दिमाग शार्ट नहीं करो, रात के टाइम पे जगाया हुआ क्यों, अभी हम सोते हैं मस्त, हट आराम ही करते हैं, हमें तंग कर रहे हैं। सही है भाई, जा रहे हैं।
अरे चल भाई भाग इधर से। और हाँ, यासीन भाई से मिलवाया नहीं आप लोग, यासीन भाई से भी मिलवाते। चलो भाई भाई ये रहे यासीन भाई। और सिरे के नागरिक बंदे को इतनी दूर के सफरे में आज ऐसा है सीन के वो जो मौत का जंगल हम पीछे पार कर कर आ रहे हैं ना खंडा, मतलब यहाँ से कोई 18 किलोमीटर लेफ्ट राइट पीछे आगे बिल्कुल बिल्कुल ही वीराना है, मतलब मिट्टी है, लिटरली मिट्टी है बहुत। हम आप मोबाइल नहीं निकाल सकते थे, नहीं तो हम आपको रास्ते की वीडियो दिखाते कितना अंधेरा है क्या सीन है, मगर एंजॉय किया। उस टाइम पे जो ड्राइवर था ना, ड्राइवर की हिम्मत होती है वो कश्ती को कहीं भी पार लगा। ड्राइवर ये था भाई, ड्राइवर को जो है ना मेरी तरफ से हेड ऑफ है भाई। आवाज़ ही बंद नहीं यार कुछ तो भाई। भाई ये इन्होंने जो है ना बाइक दे दी हमें और बोला बाइक चलाया, बहुत ही अल्लाह ने बचाया भाई। मैंने यहाँ आके जो है ना अल्लाह का पता नहीं कितना ही शुक्र अदा कर लिया कि अल्लाह ने सही सलामत पहुँचा दिया। दिन में भी नहीं आ सकते आप यहाँ इस रास्ते से। हाँ, हम असल में गलत ये हुआ कि हमने गूगल के ऊपर भरोसा किया और मेन हाईवे की बजाय आप जब एयरपोर्ट साइड एयरपोर्ट की बैक साइड पे आते सपूरा वाली साइड से तो चेक पोस्ट नंबर 2 जिसे टैंक चौक भी कहा जाता है हम उस साइड से अंदर जा गए, उसके बाद तबाही हो गई। तो जो भी आए मेहरान पेट्रोल फार्म वो हाईवे से आए, मेन जो शराबगोड वाला मेन हाईवे उससे आए, यहाँ से ना आए प्लीज। अंदर तो बंदा कुत्ते भी नहीं थे। अबे कुत्ते नहीं थे यार, बहुत मामला खराब था। तो भाई मेरे ख्याल से उधर खाना वो बनाया आपने, हमें पूरे रास्ते बगैर एंट्री ये गाना सुनाई दे रहा था। अरे मेरे ख्यालों की तरफ मेरे गुफ्तार की देरी के साथ अब जो है ना थोड़ा फाड़ी आज भी आज के लिए मेहरान कैटल फार्म और मास कैटल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फ्रेंड्स कैटल फार्म की टीम को इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।